दोस्तों बरसात में कुछ ऐसे पौधे हैं जो रॉकेट के स्पीड से भी बहुत तेजी से ग्रो करते हैं। इस पौधे को अपने गार्डन में आप जरूर ऐड करिए और नर्सरी से लेके आके इसको ऐड करिए, और यहाँ तक दोस्तों उसकी कटिंग भी आप लगा सकते हैं, जितने पौधे के नाम हम आपको बताने जा रहे हैं। और जुलाई में दोस्तों ये भरपूर तेजी से ग्रो करता था। आइए आपको बताते हैं कि कौन कौन पौधे हैं जो आप अपने गार्डन में उसे ऐड कर सकते हैं। दोस्तों जो पहला पौधा आप देख रहे हैं आपके सामने, ये पेंटास, ये पूरे 12 महीना बहुत अच्छे तरीके से फ्लावर देता है। और इस पौधे को अपने गार्डन में आप जरूर लगाइए, और नहीं लगा रखे हो तो इस टाइम बरसात के समय में इसे लाइए। और ये दोस्तों मात्र केवल 25 से 30 रुपये पे ये नर्सरी से आपको मिल जाएगा। और लाने के बाद इसे दोस्तों देखिए, मैंने इसे 10 इंची गमले में लगा रखा है, और 10 इंची गमले में लगाइए, बहुत ही दोस्तों अच्छे तरीके से ये ग्रो करेगा और आपकी गार्डन की खूबसूरती को चार चांद ये बढ़ा देगा। इसकी देखिए अलग ये वेराइटी है, आप ये देख सकते हैं, ये भी पेंटास का ही है, ये पिंक कलर का है और रेड कलर का है। दोस्तों इसकी जो फ्लावर है ना, मैं आपको बता दूं कि पोलिनेटर के लिए बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं, इसके बारे में कभी हम वीडियो बताएंगे। नेक्स्ट जो पौधा है मधुकामनी जो पौधा है आप देख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में दोस्तों बरसात के समय में फ्लावर देता है, और बरसात के समय दोस्तों ये गर्मियों में खूब ढेर सारे फ्लावर देते हैं, और इसके फ्लावर दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी खुशबू आती है, आपके गार्डन के चार चांद को बढ़ा कर रखते हैं, पूरा गार्डन को आपको महका देते हैं ये जो पौधा। इस पौधे को भी इस टाइम आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, और यहाँ तक कि ये पौधा कटिंग से भी तैयार हो सकता है, और उसके साथ साथ दोस्तों आप इसे नर्सरी से लेकर अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम आपको बता दूं नेक्स्ट जो पौधा है मिनी चांदनी या बड़ी चांदनी, इस टाइम पे दोनों में से कोई भी आप लगा सकते हैं, और इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों होती है बरसात के मौसम में। दोस्तों बरसात के मौसम में जिस पौधे की ग्रोथ नहीं होती है, उस पौधे की ग्रोथ बरसात के समय में अगर लगाते हैं तो अच्छे तरीके से उसकी ग्रोथ शुरू होती है। आप देख सकते हैं, देखिए इसको हम ऊपर से कटिंग करते चले जा रहे हैं, और देखिए एक ये छतरी नुमा ये बनता हुआ चला जा रहा है। तो इस पौधे को भी आप इस टाइम पर लगा सकते हैं जुलाई के महीनों में, और यहाँ तक दोस्तों इसकी कटिंग से भी ये पौधा तैयार हो जाता है। बस इसकी कटिंग आप जानते हैं कि मेच्योर कटिंग लेनी होती है, मेच्योर कटिंग लेने के बाद इसको रेत में लगाइए, रेत में लगाएंगे अच्छे तरीके से ग्रो हो सकता है। और नहीं आप इसे कटिंग से तैयार करने के लिए, तो आप नर्सरी से इस ला के अपने गार्डन में से ऐड कर दीजिए। बड़ी चांदनी की भी दोस्तों इस टाइम पर इसे आप ऐड कर सकते हैं। बड़ी चांदनी मेरे पास पौधा नहीं है, और हमें भी दोस्तों उसको लगाना है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो पौधा है मुसेंडा, आप देख सकते हैं जो इसकी पत्तियां होती हैं ना, इसकी पत्तियां जो इसका वो देखिए फ्लावर देखिए दोस्तों कितना प्यारा लगता है, इसकी अलग अलग कलर आते हैं, और इसको भी आप इस टाइम पे बरसात समय में इसको ऐड कर सकते हैं अपने गार्डन में, बहुत दोस्तों लगते हैं प्यारा इसका। इसमें दोस्तों पिंक कलर आते हैं, व्हाइट कलर आते हैं, बहुत इसमें आते हैं कलर, और किसी भी कलर को आप अपने गार्डन में ऐड कर लीजिए, बहुत ही दोस्तों अच्छा लगता है। और दोस्तों इसको भी आप देखिए, हम 12 इंची गमले में इसको लगा रखे हैं इस पौधे को, और देखिए अच्छी तरीके से इसकी ग्रोथ चल रही है। इस टाइम पे इसका फर्टिलाइजर आप अच्छी तरीके से देते रहिए, देखेंगे बहुत ही बढ़िया जो पौधा है ये ग्रो करेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो पौधे की हम बात करें, आप ये देख रहे हैं आपके सामने, आप देख सकते हैं ये बोगनविलिया। दोस्तों ये जो पौधा है, ये भी पौधा इस टाइम पे बरसात के महीनों में आप इसे ऐड कर सकते हैं। अगर नहीं आप लगाए हैं तो ज़रूर इस पौधे को आप ऐड कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों इसमें भी बहुत सारी वैरायटी है। डॉब वैरायटी आती है, और जो देसी बोगनविलिया होता है दोस्तों, जो डॉब वैरायटी होती है उसके फ्लावर ज़्यादा आते हैं और ज़्यादा पौधा बड़ा नहीं होता है, और जो देसी वाला जो वैरायटी है उसके जो पौधे बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। इसको दोस्तों कटिंग से आप तैयार कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से इस महीने में कटिंग आप तैयार होती है। आप ये देख सकते हैं, देखिए मैंने इस पौधे को, ये बोगनविलिया का ये पौधा है, ये ड्वार्फ वैरायटी का पौधा है, और देखिए इसमें फ्लावर आना ये शुरू हो गया। इस पर दोस्तों अगर आपको फुल चाहिए जानकारी तो आई बटन पर लिंक जाके वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट जो पौधा है आप ये देख रहे हैं, ये मधुमालती। दोस्तों मधुमालती में दो तरह से आते हैं, एक जो प्लांट आता है, और एक आता है लतर वाले पौधे होते हैं। आप देख सकते हैं, देखिए इसमें ये बिल्कुल इसका उपयुक्त फ्लावर का समय का, लेकिन दोस्तों अभी पौधे में फ्लावर इसमें नहीं आ रहा है, लेकिन जो और लोग लगाए होंगे उनके पौधे में फ्लावर इसमें भर भर के आ रहा होगा, क्योंकि इसमें जैसे गर्मी ख़त्म होती है मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, इसमें भरपूर मात्रा में इस पौधे में फ्लावर रहता है। देखिए इस जो मेरा पौधा ये अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है, अभी छोटा पौधा था, इसको मैंने लगाया था, और लगाए हुए 3 से 4 महीना हो गया, और देखिए अच्छे तरीके से पौधा मेरा ये बूसी हो रहा है। और इसी पौधे की हम बात करें तो जो लतर वाला है, लतर वाला भी दोस्तों आप लगा सकते हैं, उसमें भी दोस्तों फ्लावर आने का समय बिल्कुल यही है, और लगाने का दोस्तों यही समय है। हाँ, कटिंग से इसको भी आप तैयार कर सकते हैं, मधुमालती के पौधे को, जो लतर वाला है और जो प्लांट वाला है, दोनों को भी आप तैयार कर सकते हैं कटिंग से भी। उसके बाद जो नेक्स्ट पौधा है
गुड़हल का पौधा। दोस्तों आप तो जानते हैं कि गुड़हल इस टाइम पे चाहे देसी हो या हाइब्रिड हो, कोई भी आप कटिंग से तैयार कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं पौधा है तो इसको दोस्तों आप नर्सरी से लेकर आइए। हाँ, देसी लाएंगे थोड़ा सस्ता मिलेगा, हाइब्रिड लाएंगे थोड़ा सा महंगा मिलेगा। अगर आपको उससे भी चाहिए सस्ता तो कटिंग से आप तैयार कर सकते हैं। कटिंग से तैयार करिए और थोड़ी दोस्तों मेहनत लगेगा, लेकिन कटिंग से आप तैयार कर लेंगे तो पौधा फ्री में आपके गार्डन में ऐड हो सकता है। और ये जो समय है बिल्कुल उपयुक्त है गुड़हल के पौधे को ऐड करने के लिए आपके गार्डन में, चाहे देसी वैरायटी हो या हाइब्रिड वैरायटी हो। उसके बाद जो नेक्स्ट जो पौधे की हम बात करें, नैनो ओक्लाक का पौधा है। दोस्तों आप देख रहे हैं नैनो ओक्लाक का जो पौधा है पूरी बरसात आपको भर भर के फ्लावर देगा और आपकी गार्डन की खूबसूरती को बढ़ाकर रखेगा। और देख सकते हैं इस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्लावर दे रहा है और इसको कटिंग से आप तैयार कर सकते हैं। देखिए हम कटिंग से तैयार कर रखे थे और आपके सामने देखिए पौधा बहुत तेज़ी से ये बूसी होता हुआ ये जा रहा है। देखिए मैंने दो गमले में लगा रखा था, दोनों गमला बहुत तेज़ी से ये बूसी हो रहा है और इसमें भी फ्लावर आना ये शुरू हो रहा है। पूरी बरसात दोस्तों आपको ये फ्लावर देगा। इसी कैटेगरी में दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं मोस रोज जो पौधा था ये भी आता है और इसमें भी भर भर के दोस्तों देखिए फ्लावर आना ये शुरू हो रहा है। इसमें फ्लावर आते हैं चले आते हैं, देखिए बर्ड से बनना शुरू हो गया है। तो इस दोनों पौधे को नाइन ओ क्लाक और मोस रोज दोनों पौधे को दोस्तों आप लगा सकते हैं इस समय। और ये चल के दोस्तों आगे ये ठंडी के मौसम में भी खूब ढेर सारे आपको ये फ्लावर देंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट जो पौधा है रेन लिली का पौधा। दोस्तों रेन लिली बरसात में भर भर के फ्लावर देता है। जो मेरा जो पौधा आप देख रहे हैं थोड़ा सा ये ज़्यादा पानी लगने के कारण दोस्तों पौधा ये धीरे धीरे सूखने कंडीशन चला गया था। इस पौधे को हम किस तरीके से देखिए बचा लिए। हाँ, आपके पास अगर रेन लिली का पौधा नहीं होगा तो इस समय आप बरसात में इसको बिल्कुल ऐड करिए। दोस्तों ये ऐसा पौधा है ना कि अगर ये सूख भी जाता है और इसको अच्छे तरीके से थोड़ा सा पानी उनी हम दे देते हैं तो ऑटोमेटिक दोस्तों ये ग्रो कर जाता है। ऐसा पौधा दोस्तों मेरा जो मानना है कि जल्दी ये मरता नहीं है, बहुत ही दोस्तों अच्छा प्लांट है और इसे भी आप अपने गार्डन में आप ज़रूर ऐड करिए। उसके बाद आपको बता दें जो नेक्स्ट जो पौधा है क्रोटन का पौधा। दोस्तों आप देख रहे हैं ये जो क्रोटन जो पौधा है आपके सामने दिख रहा है और ये दोनों की अलग अलग वैरायटी है और देखिए अच्छे तरीके से दोस्तों जो पौधा है ये ग्रो कर रहा है। और देखिए इसकी पत्ती की जो कलर है कलर भी बहुत इसी तरीके से इसका मेंटेन है। दोस्तों अगर आपके पास क्रोटन का पौधा नहीं होगा तो ज़रूर अपने गार्डन में आप इस समय ऐड कर लीजिए। इस समय ऐड करेंगे तो उसके बाद देखेंगे ग्रो करना शुरू हो जाएगा। हाँ, अगर आप चाहते हैं नर्सरी से नहीं लाना तो इसकी कटिंग आपको मिल जाती है, तो इसकी कटिंग आप कहीं से लेके लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं देखिए हम इसकी कटिंग पानी में ग्रो कर रहे हैं। आप ध्यान से देखेंगे, देखिए इसकी मैंने कटिंग इसको पानी में हम ग्रो कर रहे हैं। इसका वीडियो हम आपको संपूर्ण बना के देंगे। आपको अभी एक पार्ट बन चुका है और दूसरा पार्ट इसका बचा हुआ है। और इसके बाद ये देखिए ये लीफ पत्ते को दोस्तों हम ग्रो करके आपको दिखा रहे हैं। इसका भी वीडियो एक पार्ट बन चुका है, दूसरा पार्ट बना के आपको देंगे तो आप ज़रूर देखिएगा। तो पत्ते से भी दोस्तों इसको ग्रो कर सकते हैं और कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट जो पौधा है कोलियस का पौधा। दोस्तों आप देख रहे हैं जो कोलियस का पौधा है इस टाइम पर बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो करता है और इसमें भी जो इसकी पत्ते होते हैं पत्ते देखने में बहुत लगते हैं खूबसूरत और इसमें भी अलग अलग कलर के इसके पत्ते आते हैं जो आपको अच्छा लगे। और दोस्तों नर्सरी से मात्र केवल आप ये 20 रुपये का पौधा मिलता है, छोटा पौधा लेकर आइए 20 रुपये का मिलता है और उस पौधे को लाकर इसको लगाइए आपके गार्डन में दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो करता है। और यहाँ तक कि इसे 10 इंच या 8 इंच गमले में पहले शुरू में लगाइए और लगाने के बाद उसे इसके अच्छे तरीके से देखभाल करिए, देखेंगे पौधा बिल्कुल घना हो जाएगा मात्र 2 से 3 महीने में। ये दोस्तों कम केयर में बहुत तेज़ी से ग्रो करने वाला ये कोलियस का पौधा होता है, तो इसे आप गार्डन में अपने ज़रूर ऐड करिए। उसके बाद आप टिकोमा का पौधा भी इस महीने में आप ग्रो कर सकते हैं। बरसात में बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों ग्रो होता है और यहाँ तक कि ये जो पौधा है इसको 12 इंच में आप लगाइए, 12 इंच में लगाएंगे और इसमें फ्लावर टिकोमा में बहुत ज़्यादा मात्रा में आता है, थोड़ी सी आप इसकी केयर करते रहते हैं तो। उसके बाद हम बात करते हैं अलामांडा को भी आप इस समय आप लगा सकते हैं अपने गार्डन में। उसकी भी दोस्तों जो फ्लावर होते हैं ना इसमें पिंक कलर के येलो कलर के अलग अलग कलर के इसके फ्लावर आते हैं और इस देखेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके दोस्तों इसके फ्लावर देखने में अच्छा लगता है। और यहाँ तक कि इस टाइम पर सिंपल दोस्तों कुछ करेंगे नहीं, बस पोटिंग्स बनाइए। पोटिंग्स बनाने के बाद उसको 12 इंच अलामांडा की हम बात करें और टिकोमा की बात करें, कनेर की बात करें, तो इन सब पौधे को आपको ज़्यादा बड़े पॉट में लगाएंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। अगर कम से कम 12 इंच की पॉट से आप शुरुआत करिएगा, फिर आगे चल के 14 इंच 16 इंच से आप रिपोर्ट कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो पौधा थोड़ा सा बड़ा होता है और इसमें फ्लावर खूब ढेर सारे आते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर देगा। देख रहे हैं फेसबुक पेज पर तो फेसबुक पेज को भी आप फॉलो जरूर कर दें। मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो न्यू टॉपिक के साथ। धन्यवाद।